सहकारिता मंत्री गौतम दत्त का चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। गंगराल टोल नाके से लेकर बड़ी साजड़ी पहुंचने तक जगह जगह सहकारिता मंत्री गौतम दत्त का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पिछली सरकार के जितने भी फैसले हैं उनकी जांच कराकर उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान सहकारिता मंत्री गौतम दत्त से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त निश्चित तौर पर मंत्री बनने के बाद पहली बार गृह जिले में हैं, जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा दायित्व तो है, कैसे देखते हैं आप इसे? निश्चित रूप से एक चुनौती तो है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश नेतृत्व ने, आदरणीय सीपी जी ने, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हम पे विश्वास किया है, मैं उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और इस विभाग में जिस प्रकार से ये विभाग जो है किसानों से, आमजन से जो जुड़ा हुआ है, हम प्रयास करेंगे कि इसका अधिकतम लाभ किसानों को और आमजन को मिले। पिछले कार्यकाल में उपभोक्ता भंडार में कुछ ऐसे निर्णय हुए हैं जिस तरह से RGHS योजना है उसमें कई फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, क्या सरकार समीक्षा कराएगी? बिल्कुल, उन सब योजनाओं की हम समीक्षा करके कैसे कोई योजना जो है उसको और मजबूत करके हम कैसे लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित करें, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। पिछले 5 साल लगातार विपक्ष में रहने के बावजूद आपने जिस प्रकार के आरोप लगाए थे कि जो कर्जा माफी की घोषणा की गई थी वो नहीं हुई है, क्या वो भी समीक्षा होगी? पिछली सरकार ने वादे तो अनेक किए थे, इन केवल और केवल खोखले वादे उन्होंने किए। और जिस प्रकार से उन 5 सालों में जो भ्रष्टाचार बढ़ा, चाहे से अपराध बढ़ा है, केवल और केवल सत्ता बचाने का प्रयास पिछले 5 सालों में हुआ था। निश्चित रूप से जब से 1 महीने से हमारी सरकार बनी है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे आगे बढ़ रही है। आप देखते हैं किस प्रकार से अपराधियों की धरपकड़ करके उनको कहीं ना कहीं कसने का काम करके उसकी एक शुरुआत की है। और इस कॉपरेटिव के सेक्टर में भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ नए नए काम आपको देखने को मिलेंगे। नागरिक उड्डयन भी आपके पास है, क्या मान के चलें चित्तौड़गढ़ को जो एक्सेस स्ट्रिप चल रही है, एयर स्ट्रिप मिलने की संभावना थी, कोसुंडा के पास सर्वे भी हुआ था, क्या दोबारा गति पकड़ेगा? ये आज कहना तो संभव नहीं होगा, लेकिन मैं पूरा अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि चित्तौड़ चूँकि पर्यटन नगरी भी है, ऐतिहासिक नगरी भी है, तो यहाँ अगर हवाई पट्टी से ये क्षेत्र अगर चित्तौड़ जुड़ेगा तो निश्चित रूप से इसका लाभ पूरे जिले को हमें मिलेगा। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, कब से लगने लग जाएगा कि गौतम दत्त सहकारिता मंत्री हैं? आप आज से ही मानिए काम शुरू है आपका? जी निश्चित तौर पर, ये तो गौतम दत्त, और साफ शब्दों में कहना है कि दायित्व संभाल लिया है तो जल्द ही लोगों को पता चलने लगेगा कि वो मंत्री हैं। दूसरी बड़ी बात यही है कि जो काम करने की बात है तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर निश्चित तौर पर सरकार काम कर रही है और करेगी। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।